This is our new pathology class in which today we will study about the last topic of hemodynamic disturbances, that is infarction. Infarction kya hota hai? Ischemic necrotic area. Infarction kya hota hai? Ischemic necrotic area. तो इसकी डेफिनेशन देखिए यहाँ लिखी हुई है. एन इनफार्क्ट इज एन एरिया ऑफ इस्केमिक नेक्रोसिस कॉज बाय ऑक्लूजन ऑफ आइदर द आर्टेरियल सप्लाई और द वीनस ड्रेनेज इन अ पर्टिकुलर टिश्यू. पर्टिकुलर टिश्यू में वीनस ड्रेनेज में या तो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या आर्टेरियल सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाने की वजह से जो इस्केमिक नेक्रोसिस का एरिया दिखाई देता है उस एरिया को अपन इनफार्क्ट कहते हैं. एन एरिया ऑफ इस्केमिक नेक्रोसिस विद इन द टिश्यू और ऑर्गन produced by occlusion of either the arterial supply or venous drainage. किसी organ या tissue में arterial supply या venous drainage के obstruction की वजह से, occlusion की वजह से जो ischemic necrosis area दिखाई देता है उसको अपन infarct कहते हैं, process को अपन infarction कहते हैं. अब इसकी etiology तो thrombosis और embolism इसका सबसे बड़ा कारण होता है. या venous outflow में obstruction आ जाए, अदर्स में हाइपोटेंसिव लोकल वैसोस्पाज्म, कंप्रेशन ऑफ वेसल बाय हिमेटोमा और ट्यूमर और टॉर्शन हो सकता है. मतलब या तो वेसल्स में कोई थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन आ जाए, या ब्लड वेसल में ट्विस्टिंग हो जाए कि भाई ट्विस्ट हो गई, या वेसल का कंप्रेशन हो जाए, या ब्लड वेसल ट्रैप्ड हो जाए. ये तीन कंडीशन मैंने बोली लास्ट की, ट्विस्टिंग, कंप्रेशन और ट्रैपिंग. इसको आप कैसे समझ सकते हो, जैसे एक पाइप है आप घर के अंदर, अगर अपने गार्डन के अंदर आप पानी दे रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, तो पाइप से अपन ले रहे होते, तो बचपन में अपन ये काम कर रहे होते ना, कई बार पाइप के ऊपर पैर रख देते हैं, तो वो तो एग्जांपल है कंप्रेशन का. तो मम्मी बेचारी सोचती है पानी बंद कैसे हो गया आना, क्योंकि हम उस पर पैर रख देते, तो कंप्रेशन ऑफ वेसल. या फिर वो पाइप कहीं से मुड़ जाए तो पानी सप्लाई बंद हो जाती है, यानी ट्विस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल. एंड ट्रैपिंग, जैसे कोई कचरा फंस जाए पानी के पाइप के अंदर तो पानी आना बंद हो जाता है. तो ये सारे हिसाब इन्फेक्शन का कारण होते हैं. अब इन्फेक्शन के टाइप्स अपन देखें तो इन्फेक्शन दो तरह का हो सकता है, वाइट और रेड इन्फेक्ट, जैसा अपन ने थ्रोम्बाई में पढ़ा था. तो देखिए इन्फेक्शन टिश्यू नेक्रोसिस होता है जो कि इशीमिया की वजह से हो सकता है, कि किसी भी कारण से वैस्कुलर इनसफिशेंसी हो जाए, यूजुअली आर्टेरियल ऑक्लूजन हो जाता है थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म की वजह से. मेनली इसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कारण हो सकता है, या टॉक्सिन के एक्यूमुलेशन की वजह से, या इंजरी रीपरफ्यूजन इंजरी की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है. डिटरमाइनिंग फैक्टर्स के अंदर हमारे को देखना होता है कि कौन सी वेसल है, उस वेसल का साइज़ क्या है, उस वैस्कुलर टेरिटरी का साइज़ क्या है, पार्शियल या टोटल वैस्कुलर ऑक्लूजन हुआ है क्या, या तो पार्शियल ऑक्लूजन हुआ होगा या टोटल, तो उसका भी असर पड़ेगा इन्फेक्शन पे. और इस्कीमिया का ड्यूरेशन भी हमें देखना पड़ेगा, कितनी देर तक इस्कीमिया है. तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फेक्शन को डिटरमाइन करते हैं, या आपके इन्फेक्शन के इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ ब्लड सप्लाई, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑक्लूजन, वल्नरेबिलिटी ऑफ द टिश्यू टू हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कोलेट्रल्स. तो नेचर ऑफ ब्लड सप्लाई मतलब एंड आर्टेरियल सप्लाई है या डुअल सप्लाई है वहाँ पर. रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑक्लूजन का क्या होता है, या तो एक्यूट ऑक्लूजन है या ग्रेजुअल ऑक्लूजन है, भाई धीरे धीरे या तो ऑक्लूजन डेवलप हो रहा है या तेजी से डेवलप हो रहा है. और वल्नरेबिलिटी टू द ऑफ द टिश्यू टू हाइपोक्सिया मतलब कि इस ऑक्लूजन की वजह से इस्कीमिया और हाइपोक्सिया कॉज हो रहा है, और उस हाइपोक्सिया के प्रति, वो जो हाइपोक्सिया जिस टिश्यू में हो रहा है, और टिश्यू उस हाइपोक्सिया के प्रति कितना ज़्यादा वल्नरेबल है, कितना सहनशील है, कितना असर होगा उसके ऊपर, ये भी डिपेंड करता है. ब्लड का ऑक्सीजन कंटेंट कितना है, मतलब हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, भाई एनीमिक पर्सन है तो उस पर ऑब्वियस इन्फेक्शन जल्दी उसके अंदर दिखाई देगा. रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कोलेटरल्स का मतलब है कि वो जो अपन ने बोला था ना थ्रोम्बोसिस के अंदर, क्या रीकैनलाइजेशन हो रहा है, कि दूसरी बाईपास कैपिलरी डेवलप होती है, तो बाईपास कैपिलरी कितनी तेज़ी से डेवलप हो रही है, अगर वो तेज़ी से डेवलप होगी तो ऑब्वियस असर इन्फेक्शन का थोड़ा कम होगा, वरना ज़्यादा असर होगा. अब इन्फार्क्ट डेवलपमेंट, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स मैंने बोला, नेचर ऑफ वेस्कुलर सप्लाई में डुअल सप्लाई जैसे लंग्स और लीवर में होता है तो इन पे थोड़ा असर कम पड़ता है, जबकि एंड आर्टरी जैसे किडनी और स्प्लीन में होता है उन पे इन्फेक्शन का असर तेज़ी से होता है. रेट ऑफ वेस्कुलर ऑक्लूजन कि किस स्पीड से ऑक्लूजन डेवलप हो रहा है, तो कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप हो रहा है कितने समय में,
साइड में कितना कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप हो गया, वल्नरेबिलिटी टू हाइपोक्सिया, जैसे न्यूरॉन्स है 2 से 3 मिनट में मरने लग जाते हैं, मायोकार्डियम 20 से 30 मिनट में मरनी स्टार्ट हो जाती है, फाइब्रोब्लास्ट कई घंटों तक जिंदा रह सकती है, मतलब हाइपोक्सिया को सहन करने की क्षमता फाइब्रोब्लास्ट में ज़्यादा होती है। इसी तरह से ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड में, भाई पर्सन को एनीमिया है, साइनोसिस है, कंजेसिव हार्ट फेलियर है, तो असर इन्फेक्शन का ज़्यादा तेज़ी से दिखाई देगा। तो इसमें जो इन्फेक्शन का कैन रिजल्ट इन इन्फेक्शन ड्यू टू अदरवाइज इन कॉन्सिक्वेंशल ब्लॉकेज की वजह से इन्फेक्शन जो है इसके अंदर डेवलप हो जाता है। या साइज ऑफ वेसल एंड साइज ऑफ वेस्कुलर टेरिटरी, के वेसल का साइज़ क्या है, टेरिटरी का साइज़ क्या है, पार्शियल टोटल मैंने बता दिया, इस्चीमिया का ड्यूरेशन बता दिया कितनी देर तक इस्चीमिया रहता है। अब मैंने जो क्लासिफिकेशन बोला कि भाई ये इन्फेक्शन दो तरह का हो सकता है, दो तरह से क्लासिफाई हो सकता है, एक तो कलर के बेसिस पर और एक इन्फेक्शन के बेसिस पर। कलर के बेसिस पर पेल वाइट या रेड इन्फेक्शन, पेल वाइट को अपन एनीमिक भी कहते हैं, रेड इन्फेक्शन को अपन हेमरेजिक भी कहते हैं। वाइट आर्टरियल ऑक्लूजन की वजह से और रेड वीनस ऑक्लूजन की वजह से देखने को मिलता है। और इन्फेक्शन के बेसिस पर सेप्टिक और ब्लांड इन्फेक्शन, इन्फेक्ट विदाउट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, और सेप्टिक इन्फेक्शन, इन्फेक्ट विद सुपरा एडेड माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, कि इन्फेक्शन के साथ में इन्फेक्शन भी हो गया तो उसको सेप्टिक इन्फेक्शन अपन कहते हैं। अब देखिए जो इन्फेक्ट दिखाई दे रहा है तो आर्टरी के ऑक्लूजन की वजह से देखिए, नॉर्मल टिश्यू, इन्फेक्टेड टिश्यू, सरफेस फाइब्रिनस एक्जुडेट यहाँ दिखाई देगा, इल डिफाइंड इन्फेक्शन का बॉर्डर होता है। ये ट्राइंगुलर दिखाई दे रहा है इन्फेक्शन का एरिया, ये ऐसा तिकोना सा दिखाई दे रहा है, इसको वेज शेप का इन्फेक्शन कहते हैं अपन। अब रेड या हेमरेजिक इन्फेक्शन वीनस ऑक्लूजन या कंजेशन की वजह से होता है, जैसे टॉर्जन में हो जाता है, लूज टिश्यू जिसमें हेमरेज हो सकता है, ब्लड कलेक्ट हो सकता है इन्फेक्टेड जोन के अंदर, जैसे लंग वगैरह में दिखाई देता है, लूप ऑफ बॉवल में, ओवरी वगैरह में दिखाई देता है, या टिश्यू जो ड्यूअल ब्लड सप्लाई, जैसे लंग, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें कि ब्लड फ्लो जो है वो अनऑब्स्ट्रक्टेड वेसल से इन्फेक्टेड जोन तक जा सकता है, या टिश्यू जिसमें पहले से कंजेशन हुआ हुआ हो, स्लगिश वीनस आउटफ्लो दिखाई दे रहा होता है, या जब फ्लो रीस्टैब्लिश्ड हो जाता है, जैसे कि ऑक्लूसिव एम्बोलस के फ्रेगमेंटेशन से या एंजियोप्लास्टी के अंदर, तो ये सब रेड इन्फेक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब वाइट इन्फेक्शन जो आर्टरियल ऑक्लूजन की वजह से सॉलिड ऑर्गन्स में दिखाई देता है, या एंड आर्टरियल ब्लड सप्लाई वाले ऑर्गन्स में दिखाई देता है, सॉलिड टिश्यूज, या हेमरेज लिमिटेड होता है, स्प्लीन, हार्ट, किडनी इसका एग्जाम्पल है। अब पेल वाइट इन्फेक्शन इस्चीमिया, न्यूट्रिएंट आर्टरी या के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या टिश्यू के हाइपोपरफ्यूजन की वजह से दिखाई देता है, सॉलिड ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, किडनी, स्प्लीन, अभी पहले मैंने बताया था, ये वेज शेप्ड का होता है इन्फेक्शन, जिसमें इसका एपेक्स जो होता है वो उस वेसल की तरफ होता है जहाँ पे ऑक्लूजन हो रहा है, और इसका जो बेस होता है वो सीरोसल सरफेस पर दिखाई देता है। ये मॉर्फोलॉजी है वाइट इन्फेक्शन की, बेटर डिफाइन कर सकते हो आप इसको टाइम के साथ में, पेलर हाइपरेमिक मार्जिन इसका दिखाई देगा, मतलब समय के साथ ये ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है, वेल डिफाइंड हो जाता है ये इन्फेक्शन, विद डायग्राम आपको बताया गया, ये वेज शेप का स्पायरल इन्फेक्शन है, वाइट स्प्लीनिक इन्फेक्ट है ये। माइक्रोस्कोपिकली देखोगे इस्चेमिक कोगुलेटिव नेक्रोसिस दिखाई देगा 12 से 18 घंटे के बाद में, इन्फ्लामेशन के साथ में नेक्रोसिस हो सकता है, फैगोसाइटोसिस सेलुलर डेब्रिस का होता है, न्यूट्रोफिलिया मैक्रोफाज के द्वारा 1-2 दिन इसमें लगेंगे, हीलिंग रिस्पॉन्स दिखाई देगा, स्कार टिश्यू बन जाएगा ब्रेन लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की वजह से। रेड हेमरेजिक इन्फेक्शन वीनस ऑक्लूजन के ऑर्गन में दिखाई देगा जहाँ पर सिंगल वीनस आउटफ्लो हो रहा होता है, जैसे टेस्टिकुलर टॉर्शन में दिखाई देता है, टेस्टिस में दिखता है ये रेड इन्फेक्शन, या लूज टिश्यू में दिख सकता है जैसे लंग्स वगैरह में, या डुअल सर्कुलेशन का टिश्यू जैसे लंग और गट में, यानी GIT में, इंटेस्टाइन लूप ऑफ बॉवल में, प्रीवियसली कंजेस्टेड टिश्यू में दिख सकता है, और प्रीवियसली इन्फेक्टेड टिश्यू में रीपरफ्यूजन के साथ में दिखाई दे सकता है हेमरेजिक इन्फेक्शन। यह हेमरेजिक इन्फेक्शन दिखाया गया है भाई आपको, रेड पल्मरी इन्फेक्ट डुअल पल्मरी या ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई में दिखाई देता है।
पल्मोनरी इन्फार्क्ट जो है वो इस्केमिक लंग्स के इस्केमिक नेक्रोसिस की वजह से लंग पैरेन्काइमा में दिखाई देता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बाद में या ब्रोंकियल आर्टरी में ब्लड कम हो जाए तो दिखाई देता है। जब ब्लड ब्रोंकियल आर्टरी से रीपरफ्यूज होता है तो इस्केमिक एरिया ब्लड लीक होता है, एल्वियोलर स्पेस वगैरह में चला जाता है। यह ट्राइंगुलर रेड और एयरलेस दिखाई देता है, ज़्यादा फम ब्राउन हो जाता है टाइम के साथ में, जैसे समय बीता ये गहरे भूरे रंग का दिखाई देता है। अब सेप्टिक इन्फार्क्शन बैक्टीरियल वेजिटेशन के फ्रेगमेंटेशन की वजह से हार्ट वॉल्व से दिखाई देता है, फिर माइक्रोब्स वहाँ पर नेक्रोटिक एरिया में डिपॉजिट हो जाते हैं तो सेप्सिस हो जाता है, ये बाद में एप्सिस में भी कन्वर्ट हो जाएगा, एप्सिस मतलब पस फॉर्मिंग बन जाता है ये। ग्रेटर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स यहाँ दिखाई देगा और स्कार भी इसमें बन जाता है। अब इसमें कौन कौन से सीक्वेंस इससे जुड़े हुए हैं, तो कॉगुलेटिव नेक्रोसिस वहाँ हो जाएगा, न्यूट्रोफिल वहाँ पर पहुँच जाएंगी, मैक्रोफाज पहुँच जाएंगी, फैगोसाइटोसिस हो जाएगा वहाँ पे डेब्रिस यानी कचरे का, ग्रैनुलेशन टिश्यू बन जाता है और वहाँ पे स्कार भी बन जाता है। ये अब समय के साथ इन्फेक्शन में क्या क्या दिखाई देगा वो चीज़ बताई हुई है कि 4 घंटे तक तो कोई खास फ़र्क नहीं दिखाई देगा, 4 से 12 घंटे में शुरुआत में तो कोगुलेशन नेक्रोसिस दिखाई देगा जिसमें पिग्नोसिस न्यूक्लियस का पिग्नोसिस हो जाएगा, पिग्नोसिस मतलब कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म में इओसिनोफिलिया आ जाता है जबकि मोटे रूप में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। 12 से 24 घंटे के अंदर आपको और नेक्रोसिस दिखाई देगा, हेमरेज दिखाई देगा, न्यूट्रोफिल वहाँ पहुँच जाते हैं और ये गहरा मॉटलिंग एरिया के रूप में ये दिखाई देता है। 1 से 3 दिन के बाद में वहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूट्रोफिल और पहुंच जाती है, नेक्रोसिस हो जाता है और वो मॉटल्ड एरिया येलो 10 नेक्रोटिक सेंटर के रूप में दिखाई देगा। 3 से 7 दिन में वहाँ पर अर्ली फैगोसाइटोसिस हो जाता है डेड सेल का मैक्रोफाज के द्वारा, हाइपरिमिक बॉर्डर दिखाई देगा, सेंट्रल येलो 10 सॉफ्टनिंग वहाँ पे दिखाई देगी। 7 से 10 दिन के बाद में फैगोसाइटोसिस और ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है, अर्ली ग्रैनुलेशन टिश्यू दिखाई देगा, मैक्सिमल येलो 10 सॉफ्टनिंग वहाँ दिखाई देगी, रेड 10 उसका मार्जिन दिखाई देगा, लाल लाल गहरे रंग का बीच में पीले रंग का और किनारा लाल गहरे रंग का दिखाई देगा। 10 से 14 दिन के बाद में ग्रैनुलेशन टिश्यू और अच्छे से डेवलप हो जाता है और वहाँ कोलाजन आकर के डिपॉजिट हो जाता है और ये मोटे रूप में देखेंगे तो रेड ग्रे कलर का डिप्रेस इन्फार्क्ट बॉर्डर के साथ में दिखाई देगा। 2 से 8 हफ्ते में कोलाजन डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, सेलुलैरिटी कम हो जाती है, ग्रे वाइट स्कार और ज़्यादा बन जाता है, बॉर्डर से सेंटर की तरफ दिखाई देगा और 2 मंथ से ज़्यादा होने के बाद ए सेलुलर कोलाजिनस स्कार वहाँ बन जाता है, डेंस ग्रे स्कार के रूप में ये दिखाई देता है। बस इसके साथ ही आपका ये इन्फेक्शन नाम का टॉपिक कंप्लीट और ये जो 4th चैप्टर है जनरल पैथोलॉजी का वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस सब भी टॉपिक्स के ऊपर बनते हैं तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।